राम राम सब एम प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल प्रोसेस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुक स्टूडियो भारत सीजन 2 के न्यू सॉन्ग सोनचड़ी पे, और इसमें आर्टिस्ट है नेहा कक्कर, दिग्वी और कमला देवी। तो सबसे पहले हमें सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुक स्टूडियो भारत सीजन 2, सब्सक्राइब नाउ। वो पहाड़, सीधे पहाड़ बटिए पार देखी जो धान काटिया श्योर फेरो दुख रे गो त्योर दुख रे गो त्योर दुख रे गो त्योर Oh,
रजनी बेवाल होला रियल मैजिक। सो गाइस ये था सॉन्ग सोन चढ़ी और लिटरली मतलब इस गाने की मैं बात करूं तो इस गाने की एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि अगर आप आंख बंद करके ये गाना सुनोगे तो आपको ये फील होगा कि आप कहीं उत्तराखंड की वादियों में बैठे हो। हाँ। वो लिटरली इस म्यूजिक के साथ और जो उत्तराखंड की जो वोकल है कमला देवी जी, जो मतलब उनको एक बहुत बड़ा मंच मिला है कोक स्टूडियो के जरिए से, उनकी जो वोकल है वो मतलब टिपिकल पहाड़ी वोकल, और वो जिस तरीके से उन्होंने गाना गाया है ये थ्रू आउट गाना, उनकी वॉइस जैसे ही कानों में जाती है तो लिटरली ऐसा लगता है कि सच में हम कहीं मतलब उत्तराखंड के पहाड़ों में बैठे हैं और उन मतलब उत्तराखंड की वादियों में बैठ के ये गाना सुन रहे हैं, सीधी वो वाली फील आती है। और इस गाने का जो म्यूजिक है आउटस्टैंडिंग, मुझे ये गाना लिटरली बहुत पसंद आया और ये पहाड़ी कल्चर को दिखाता है और एक स्टोरी को भी दिखाता है। हाँ। तो वो बहुत कमाल की है। मतलब आप सोचिए कि हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ये गाना है, कब ये गाना है, क्योंकि जब हमने ये सुना कि उत्तराखंड की फर्स्ट फोक सिंगर मतलब कमला देवी उनको फीचर करेंगे या उनसे गवाएंगे इसमें कोक स्टूडियो, मंच उनको दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इस तरह के आर्टिस्ट मतलब वहीं से, क्योंकि आपको अगर पहाड़ दिखाने, आपको अगर पहाड़ों की खूबसूरती दिखानी है गाने के जरिए, तो सिंगर भी वहीं से होने चाहिए क्योंकि वो रूट से जुड़े होते हैं। और जिस तरह सेट बनाए गए वो तो ऐसे लगता है आप किसी ड्रीम लैंड में पहुंच गए हो, एकदम पहाड़ और इतनी ग्रीनरी। और जिस तरह राजूला और मतलब राजा मालूसाई की जो स्टोरी पहाड़ों में अभी भी चलती है, उस प्रेम स्टोरी को अगर इसमें दिखाया गया है इतनी खूबसूरती से, मतलब सुन के इतना ज्यादा कमाल लग रहा था। और नेहा कक्कर एज यूजुअल उसकी उनकी जो वॉइस है, मतलब एक अलग ही किंग है उनकी वॉइस में, और वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चाहे उनकी वॉइस में आप कोई भी कैसा भी गाना सुन लीजिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और देख भी मतलब सारे आर्टिस्ट इतने कमाल, स्पेशली वो जो फ्लूट बजा रहे थे, वो जितने भी आर्टिस्ट बैठे थे ना, जो पीछे मतलब कोई ड्रम बजा रहा था, कोई गिटार बजा रहा था, जो कोई फ्लूट बजा रहे थे, सबके सब आर्टिस्ट सबका काम एक नंबर। और ये गाना लिटरली आप लिख के ले लीजिए, ये गाना चलने जरूर वाला है क्योंकि अभी कोक स्टूडियो भारत का ये सीजन टू चल रहा है और इसमें एक गाना पहले आया था जिसमें पंजाबी आया, फिर हरियाणवी आया, अब ये पहाड़ी गाना आया है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि इंडिया का जो कल्चर है, और इंडिया का कल्चर बहुत रिच है, बहुत रिच है, सीरियसली कहीं पे भी जाओगे आप वहाँ का कल्चर मतलब इतना ज्यादा कमाल का है, तो उसके ऊपर गाने आने ही चाहिए ताकि पूरे वर्ल्ड को पता लगे कि इंडिया का कल्चर कितना कमाल है। मतलब कोक स्टूडियो के बारे में कौन नहीं जानता, कोक स्टूडियो पाकिस्तान, कोक स्टूडियो बांग्लादेश, और अभी ये देख ली मतलब कोक स्टूडियो बांग्ला और अभी कोक स्टूडियो भारत, और तीनों एक साथ चल रहे अभी, ये सबसे अच्छी बात है कि तीनों के सॉन्ग्स आ रहे हैं बैक टू बैक और सच में रियल मैजिक क्रिएट करते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कोक स्टूडियो भारत को, जो मतलब गाने आने वाले वो टाइम टू टाइम रिलीज कीजिए, ज्यादा टाइम मत लगाइए गानों को देने में, क्योंकि जितना टाइम लगता है फिर वो ऑडियंस थोड़ी डिस्कनेक्ट होती जाती है, तो आप जितना जल्दी जल्दी गाने बने, जल्दी जल्दी डिलीवर्ड हो, और स्पेशली उनके पीछे का जो काम, जिस तरह से कोक स्टूडियो पाकिस्तान में बैक जर्नी भी वो दिखाते हैं कि गाना बनने के पीछे का पूरा, तो हाँ, तो इनमें छोटे 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 प्रोसेस आते हैं, जैसे हम दो चार दिन से रेगुलर ये भी नोटिस कर रहे थे, तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि आपको पता चलता है कि गाना किस तरह से बनता है। और सच में अगर इस गाने की बात करें, हम पहाड़ों पे ले गए हमें ये गाना, मतलब बहुत सुकून वाला। आपको गाना कैसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बता रहे, आप मतलब कोई हो ऐसा जो पहाड़ से ये वीडियो देख रहा है तो वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बता रहा है। जब भी करते हैं इस वीडियो को एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।